एक बार की बात है, ढोलकपुर नामक गांव में एक गरीब अनाथ 8 साल की मासूम बच्ची नीलम एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। उसका अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। जब वह 5 साल की थी, तब एक सड़क हादसे में उसके माता पिता उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अपने माता पिता के जाने के बाद नीलम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, बल्कि मेहनत से काम करती है और अपना पालन पोषण करने के लिए वह फूल बेचा करती थी। नीलम को पढ़ाई करने का भी बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए वह फूल बेचने के साथ साथ किताबें भी पढ़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके साथ फूल बेचने वाली लड़की नीलम से कहती है, नीलम तुझे क्या मिलता है, ये किताबें विताबे पढ़कर, ये पढ़कर कोई फायदा वायदा तो होने वाला है नहीं। तो जानती भी है तेरे फूल ज्यादा न बिकने की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये तेरी किताबें। अरे यार इन्हें छोड़ और अपने धंधे पर फोकस कर, क्योंकि हम गरीबों का एकमात्र सहारा यही है, किताबें नहीं। ये तो बस अमीरों के चौंचले हैं, हमारे नहीं। इशिता, ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने कभी किताबें खोलकर नहीं देखी, तुम्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता। पढ़ाई अमीरी गरीबी नहीं देखती। और इशिता तुम जानती हो, यही किताबें हैं जो हमें सही मार्ग दिखाती हैं। और पढ़ाई पर तो सभी का अधिकार है, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो। और मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। अगर हम गरीब हैं तो क्या हुआ, स्कूल नहीं जाते तो क्या हुआ, किताबों से ही खुद पढ़कर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। ना बाबा ना, मेरे तो एक शब्द समझ में नहीं आता और ना ही मुझे पढ़ने वढ़ने का कोई शौक है। ये पढ़ाई तुझे ही मुबारक हो, तू ही बन किताबों का कीड़ा। मुझे तो बस फूल बेचने हैं और इतने ज्यादा फूल बेचने हैं ताकि एक घर खरीद लूं और ऐश वाली जिंदगी जीऊं। ये पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता और हम जैसे गरीबों का तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ाई को मुझसे दूर ही रख। नीलम इशिता को पढ़ाई का महत्व समझाती है, लेकिन इशिता को तो बस यह लगता था कि पढ़ाई अमीरों के लिए बनाई गई है, गरीबों के लिए नहीं, इसलिए वह पढ़ाई से कोसों दूर रहती थी। लेकिन नीलम जानती थी कि पढ़ाई का क्या महत्व है, इसलिए वह फूल बेचने के साथ साथ जितना हो सकता था उतनी पढ़ाई करती थी, जितना वह समझ सकती थी उतना समझती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। हमेशा की तरह आज भी नीलम फुटपाथ पर फूल बेच रही थी कि तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी में एक औरत आती है और वह नीलम के पास आकर उससे फूल खरीदती है। बेटा मुझे एक सुंदर सा बुके चाहिए, व्हाइट, रेड और येलो फूल वाला, और हाँ व्हाइट कलियां भी लगा देना। वेरी गुड, काम अच्छी तरह जानती हो, एक बार में ही समझ गई। अरे वाह, बहुत ही ज्यादा सुंदर बुके बनाया है, तुमने तो दिल खुश ही कर दिया। कितने पैसे हुए बेटा? व्हाइट गुलाब 30 रुपए के, रेड गुलाब 50 रुपए के, यह है येलो फूल 20 रुपए के, और हाँ यह है व्हाइट कलियां 50 रुपए की। 30 + 50 = 80, 80 + 20 = 100, 100 + 50 = 150। मैम साहब इस बुके के 150 रुपए हुए, 150 रुपए दे दीजिए। वेरी गुड, स्कूल जाती हो क्या बेटा, और ये काम पार्ट टाइम करती हो? क्योंकि इतनी जल्दी तो जोड़कर वही बता सकता है जो बच्चा स्कूल जाता हो, और तुम्हारी किताबें भी यहाँ रखी हैं। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? बेटा अपने स्कूल का नाम तो बताओ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगी तुम अपने स्कूल की। नहीं नहीं मैम साहब, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ऊपर से गरीब भी हूँ। मेरी जैसी अनाथ गरीब कैसे स्कूल जा सकती है, हम तो सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए अपना शौक यही फुटपाथ पर बैठकर पूरा कर लेती हूँ, पेट पालने के लिए फूल बेच लेती हूँ और अपना शौक पूरा करने के लिए यही बैठी बैठी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। सो सैड, तुम्हारी स्टोरी सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। कहाँ बच्चों को मार मार कर स्कूल भेजना पड़ता है और यहाँ तुम स्कूल जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में स्कूल जाना है नहीं। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे जैसे बच्चों को तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि तुम वही बच्चे होते हो जो हमारे देश का नाम रोशन करते हो। मैं एक टीचर हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगी। अपना यह है तुम पार्ट टाइम काम भी करती रहना और पढ़ाई भी कर लेना, दोनों काम एक साथ कर लोगी ना? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, इस दुनिया में अभी भी इतने अच्छे लोग बाकी हैं।
तभी तो ये दुनिया भी चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझ जैसी अनाथ गरीब को स्कूल आने का मौका मिलेगा, इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और सुमन जो पास के ही स्कूल में टीचर थी, वह अगले दिन नीलम को स्कूल में बुलाती है, प्रिंसिपल मैम के पास ले जाती है और नीलम के बारे में प्रिंसिपल मैम को सब बताती है। प्रिंसिपल मैम नीलम का टेस्ट लेती हैं और नीलम अच्छी तरह टेस्ट पास कर लेती है और नीलम का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। नीलम को अभी भी यह सब कुछ एक सपने जैसा ही लग रहा था। अब वह स्कूल में पढ़ने आने लगती है, लेकिन स्कूल में पढ़ना नीलम के लिए कोई आसान काम नहीं था। स्कूल की अमीर और घमंडी लड़कियां उसके अनाथ होने का, गरीब होने का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। आरती, तुझे पता है कल मेरी मम्मी मुझे मॉल लेकर गई थी, हमने वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। सुनो नीलम, क्या तुम भी अपनी मम्मी के साथ घूमने जाती हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हें शॉपिंग करवाती है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आती है और तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है। बताओ ना काव्या, मैं तुम्हारी तरह किस्मत वाली नहीं हूँ, मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। स्कूल से जाने के बाद घर पर मुझे कोई नहीं मिलता। मैं तो ये भी नहीं कह पाती, माँ जल्दी से खाना लगा दीजिए, भूख लगी है। पापा मुझे ये चाहिए, घर जाकर खुद ही खाना बनाना पड़ता है और जो मुझे चाहिए होता है वो खुद ही खरीदना पड़ता है। वो बच्चे बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले होते हैं जिनके माता पिता उनके साथ हैं। अनाथ बच्चों का जीना बहुत मुश्किल होता है। सो तो है, हम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं, हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ हैं और हमारे पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तू जैसी अनाथ फूल बेचने वाली लड़की का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में कैसे हो गया। वैसे तू ज्यादा दिन इस स्कूल में टिक नहीं पाएगी क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसे तू कवर नहीं कर पाएगी। हमेशा से इस स्कूल में मैं ही फर्स्ट आई हूँ और हमेशा आती रहूंगी। काव्या को पता चल जाता है कि नीलम पढ़ाई में कितनी ज्यादा होशियार है, क्योंकि नीलम सभी टेस्ट में फर्स्ट आ रही थी, इसलिए वह जानबूझकर नीलम को अनाथ होने का एहसास कराती है ताकि उसका पढ़ाई से पूरा फोकस हट जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों का टेस्ट लेती है और उस टेस्ट में भी नीलम फर्स्ट आती है। वेरी गुड नीलम बेटा, तुमने तो वो कर दिखाया जो अभी तक हमारे स्कूल के किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया। तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है, टॉप। इतने कम समय में इतनी ज्यादा पढ़ाई, इतना अच्छा टेस्ट, वेरी गुड। सुमन मैम ने तुम्हारी तारीफ बिल्कुल ठीक की थी, तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करती रहो, देखना एक दिन बहुत आगे जाओगी। काव्या खड़ी हो जाओ, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा टेस्ट दोगी। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पढ़ाई पर तो है ही नहीं, क्या कर रही हो? सॉरी मैम, आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से अच्छी पढ़ाई करूंगी, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। काव्या, जब से तू इस स्कूल में आई तब से तूने मुझे नहीं लगता कभी सॉरी बोली है, आज पहली बार सॉरी बोला है और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल में आई अनाथ स्टूडेंट की वजह से। उसने तुझे मात दे दी, सभी टीचर्स की प्रिंसिपल की फेवरेट स्टूडेंट बन चुकी है। तेरा तो उसने इस स्कूल में आकर पत्ता ही साफ कर दिया, वैसा मानना पड़ेगा। अभी उसे 2 महीने ही इस स्कूल में हुए हैं पढ़ते पढ़ते और उसने इतना बड़ा टेस्ट आसानी से पास कर लिया। सिर्फ पास ही नहीं, टॉप किया है, इंटेलिजेंट तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तुझे क्या लगता है, तो मेरी दोस्त है या फिर उसकी? कब से बस उसी के गुणगान गाए जा रही है, पढ़ाई में ऐसी पढ़ाई में वैसी। टीचर्स क्या काम है उसके गुणगान गाने के लिए जो तू भी गाने लगी? एक तो मेरा पहले ही इतना ज्यादा मूड खराब है, ऊपर से तू भी बस उसी की तारीफ किए जा रही है। इस अनाथ स्टूडेंट को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर काव्या अब नीलम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही समय बीत रहा था, मदर्स डे आने वाला था। तभी सुमन मैम सभी बच्चों से कहती हैं, गुड मॉर्निंग क्लास, पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स से पास होना है, ओके? और हाँ, कल मदर्स डे है, सभी बच्चों को मदर्स डे पर एक अच्छा सा एस्से लिखकर लेकर आना है और एक सुंदर सा चार्ट भी बनाना है, ठीक है?
मैम, क्या नीलम भी माँ के लिए ऐसे लिख कर लेकर आएगी और चार्ट भी बनाएगी? लेकिन उसकी तो माँ है ही नहीं, उसे क्या पता कि माँ की ममता क्या होती है, वो तो बेचारी अनाथ है ना। काव्या, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? किसी का क्या ऐसे मजाक उड़ाते हैं? क्या तुम्हें यही पढ़ाया जाता है कि दूसरों को नीचा दिखाओ? मैं देख रही हूँ कि तुम नीलम से बहुत ज्यादा जलती हो, उसे परेशान करती हो। अगर वह बेचारी कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे परेशान करो, उसे नीचा दिखाओ। वो तुम्हारी क्लासमेट है, उसके साथ जरा अच्छे से व्यवहार किया करो। आज के बाद मजाक उड़ाते हुए ना देख लूं। अंडरस्टैंड? सुमन मैम काव्या को बहुत सुनाती हैं। बेचारी नीलम की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे, क्योंकि काव्या ने बात तो सच कही थी। नीलम अपने घर आ जाती है और वह माँ के ऊपर ऐसे लिखती है और एक बहुत ही ज्यादा सुंदर चार्ट भी बनाती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट माँ के ऊपर लिखा ऐसे दिखाते हैं और चार्ट भी। लेकिन जब सुमन मैम नीलम का लिखा ऐसे पढ़ती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह जब चार्ट खोलकर देखती हैं तो चार्ट पेपर पर उन्हीं की तस्वीर बनी थी और एक शायरी लिखी थी। होगा जिसे पूरा जहां चाहिए, मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए। यह शायरी पढ़कर सुमन मैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नीलम को गले लगा लेती हैं। नीलम बेटा, यह सब तुमने मेरे लिए लिखा है? तुमने मेरी तस्वीर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाई है। यह ऐसे और शायरी पढ़कर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। तुमने मुझे बहुत भावुक किया है। नीलम, आज से तुम मेरी बेटी हो। आज के बाद खुद को कभी अनाथ मत समझना। मदर्स डे पर मुझे एक स्टूडेंट बेटी मिली है। थैंक यू बेटा, मुझे माँ कहने के लिए और मेरे लिए ये सब करने के लिए। सुमन मैम, मैंने तो आपको माँ उसी दिन मान लिया था जिस दिन आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस स्कूल में लेकर आई थी। जिस तरह माँ उंगली पकड़कर बच्चों को चलना सिखाती है और उसे अपने आंचल में छुपा कर रखती है और किसी से उसकी बुराई नहीं सुनती, आपने मेरे लिए माँ की तरह वो सब किया है। आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरी गुरु हैं, आप ही मेरा सब कुछ हैं। तो मदर्स डे पर मैं आपके लिए ये सब कुछ क्यों नहीं करती? सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक टीचर और स्टूडेंट का यह प्यार देखकर एक अनाथ स्टूडेंट एक टीचर की बेटी बन जाती है और उसे बहुत प्यार मिलता है। लेकिन पूरी क्लास में एक लड़की थी जो यह सब देखकर जल भून रही थी, और वो कोई और नहीं काव्या ही थी। अब नीलम सुमन के साथ उन्हीं के घर में रहने लगती है जिस माँ की ममता के लिए वह इतने दिन से तरस रही थी, वह उसे एक टीचर के रूप में मिल जाती है। बेटा देखना, पूरे स्कूल में तुम ही फर्स्ट आने वाली हो। तुम्हारी ये कड़ी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी और तुम मेरा नाम रोशन करोगी। लेकिन बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी तो जरूरी है। पढ़ाई के आगे तुम कुछ देखती ही नहीं हो, खाना भूल जाती हो। चलो किताबें रखो और खाना खाओ और ये दूध भी पियो। मेरी प्यारी माँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझ जैसी अनाथ लड़की को अपनी बेटी बनाया, स्कूल जाने का मौका दिया। आज मेरे पास जो भी कुछ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। देखना, मैं आपका नाम रोशन जरूर करूंगी। खबरदार, दोबारा से खुद को अनाथ कहा तो एक तरफ माँ भी कहती हो, दूसरी तरफ खुद को अनाथ भी बताती हो। और मैंने कोई तुम्हारे ऊपर कोई एहसान वहसान नहीं किया, बल्कि एहसान तो तुमने मेरे ऊपर किया है मेरी बेटी बनकर। और ये सब कुछ जो मिला है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का परिणाम मिल रहा है। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई, खाना खाओ। सुमन भी नीलम की पढ़ाई में बहुत मदद करती है। एग्जाम आने में सिर्फ दो ही दिन बाकी थे। क्वेश्चन पेपर सुमन मैम के पास ही रखे हुए थे। जब इस बात की खबर काव्या को लगती है तो वह एक प्लान बनाती है। दोनों स्टूडेंट और टीचर में बहुत ही ज्यादा प्यार उमड़ रहा है ना। उस गरीब अनाथ को सुमन मैम ने अपनी बेटी बना लिया है, वह गरीब स्टूडेंट टीचर की बेटी बन गई। दोनों माँ बेटी को तो मुझे स्कूल से निकालना ही होगा। क्वेश्चन पेपर सुमन मैम के पास है, अब वही क्वेश्चन पेपर दोनों माँ बेटी के स्कूल से बाहर निकलने की वजह बनेंगी। दोनों माँ बेटी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारा प्यार धरा का धरा रह जाएगा। बस फिर क्या था, काव्या चुपके से सुमन मैम के पास से क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है और वह नीलम के बैग में रख देती है। सभी बच्चे हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे थे। टीचर सभी बच्चों के ऊपर नजर रख रही थी। नीलम का सारा ध्यान बस अपने पेपर पर ही था और वह एक घंटा पहले अपना पेपर खत्म कर देती है। अरे वाह, पूरा पेपर कर दिया और वो भी पूरे एक घंटा पहले, वेरी गुड। मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? ये एक घंटा पहले पेपर कैसे पूरा कर सकती है? जरूर इसने चीटिंग की है। मैं तो कहती हूँ आप इसका बैग चेक कीजिए, इसकी तलाशी लीजिए, कहीं कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं लेकर आई।
काव्या के कहने पर नीलम की तलाशी ली जाती है तो उसके बैग में क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, जिसे देखकर नीलम के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तभी निर्मला मैम नीलम को जोर से थप्पड़ मारती हैं और सुमन मैम को बुलाती हैं। देखिए सुमन मैम, आपकी मुंह बोली बेटी ने आपके घर से क्वेश्चन पेपर चुराया है, क्योंकि आपके साथ आपके घर में रहती है ना। आप नहीं जानते कि आपने अपने घर में आज दिन का सांप पाल रखा है, जिस थाली में खाती है उसी में छेद किया। क्वेश्चन पेपर चुरा कर पहले ही पेपर कर रखा था और ऐसे दिखा रही है जैसे इसने अभी पेपर किया हो। फर्स्ट आने के लिए इतनी नीची हरकत कर सकती है? अपना नहीं, कम से कम अपनी टीचर का ही ख्याल कर लेती जिन्होंने तुझे अपनी बेटी बनाया है। नहीं नहीं मैम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की, ये सब तो मुझे याद था, तभी मैंने पेपर लिखा। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। मैं मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उसने चीटिंग नहीं की, उसने रात दिन मेहनत की है, मैंने उसे पढ़ाया है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि नीलम चीटिंग कर ही नहीं सकती, वह चीटिंग के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किसने चुराया। मेरे घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा है और मेरे कैबिन में भी। जहाँ काव्या इतनी ज्यादा खुश हो रही थी कि चीटिंग के इल्जाम में उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, वहीं काव्या अब डरने लगती है जब वह सीसीटीवी कैमरे का नाम सुनती है। और जब सीसीटीवी देखा जाता है तो पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर किसने चुराया। तभी प्रिंसिपल मैम काव्या को थप्पड़ मारकर कहती है, काव्या तुम अपनी क्लासमेट को स्कूल से निकलवाने के लिए इतनी नीच हरकत कर सकती हो? मुझे अंदाजा नहीं था, जो गड्ढा तुमने उसके लिए खोदा था अब उसमें तुम खुद गिरोगी। अब तुम एग्जाम नहीं दोगी और ना ही इस स्कूल में पढ़ोगी। प्रिंसिपल मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मुझे स्कूल से मत निकालिए, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा, मेरी मेहनत। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे मम्मी पापा उनकी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। प्रिंसिपल मैम, काव्या को अपनी के पर पछतावा है और वह माफी भी मांग रही है, तो उसे एक मौका हमें दे देना चाहिए, वरना उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। नीलम के कहने पर प्रिंसिपल मैम काव्या को एक मौका दे देती हैं। नीलम का इतना बड़ा दिल देखकर काव्या को अपने के पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वह नीलम से माफी मांगती है और आज के बाद उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करती और उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और दोनों एक साथ पढ़ाई करती हैं। नीलम पूरे स्कूल में टॉप करती है और काव्या सेकंड आती है।